दोस्तों आज हम मेलीबग्स को घरेलू तरीके से हटाएंगे, किसी प्रकार का आपको मार्केट से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। मेलीबग्स काफ़ी ख़तरनाक बैक्टीरिया होता है जो हमारे हिबिस्कस के लिए और हमारे काफ़ी सारे पौधों के लिए, जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मिलीबग्स मिलता कहां पे है। मिलीबग्स जो हमारे पौधे का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है, यानी कि न्यू ग्रोथ होती है, उसके ऊपर पाया जाता है। जो जिस पौधे पर यह लग जाता है तो उस पौधे की ये पूरी बैंड बजा देता है, मतलब ना तो उसकी ग्रोथ होती है, ना उस पर फूल आते हैं, और ना ही अगर कोई फल वाला पौधा है तो ना ही उस पर कोई फल आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा। इसको हटाने के लिए हम नारियल का तेल यूज़ कर सकते हैं, नारियल का तेल, कपूर और नीम ऑयल, तीन चीज़ों का मिक्सचर हम अपने स्प्रे बोतल में डालकर और इसे हटा सकते हैं। हमें दो चम्मच कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल, दो चम्मच नीम ऑयल और एक कपूर की टिक्की, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए। एक लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। और वीडियो के एंड में मैं बना बनाया मार्केट से भी आता है, 5 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा क्या चीज़ है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। इसको हटाने के लिए आपको थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना होगा, जिसका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो, ना तो ज़्यादा गर्म हो। उसमें आप उंगली डालकर देखिए, अगर आपकी उंगली को ये लगता है कि आप उसके अंदर टिका कर रख सकते हैं तो वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप वो पानी यूज़ नहीं कर सकते। मतलब थोड़ा हल्का गर्म पानी लेना है और उसके अंदर आपको ये जो सिस्टम है जो मैंने आपको बताया है वो आप मिक्स करके और उसका स्प्रे अपने पौधे पर कर सकते हैं। स्प्रे आप सुबह या शाम को कीजिएगा। चलिए इसका स्प्रे हम बना लेते हैं। इसके लिए हमें 1 लीटर गर्म पानी चाहिए, जो कि गुनगुना होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर हम डालेंगे मेडिकर शैम्पू, जो 5 रुपये में आपको दुकान पर मिल जाएगा। इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, नीम है और कपूर है, तीनों चीज़ों का मिक्सचर इसमें है, और 5 ml है। 5 ml हमें 1 लीटर पानी में डालना है और डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा जो स्प्रे है मेलीबग्स के लिए वो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। आप खुद यूज़ करके देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि ये काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि मेलीबग्स पर काफ़ी सारी इंसेक्टिसाइड हैं जो असर भी नहीं करते, और ऑर्गेनिक है सबसे बड़ी बात, कि आपको कोई भी खतरनाक नहीं है इससे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन आएगा उसको भी आप दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो जानकारी है वो सबसे पहले देखने को मिले, मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। ये देखिए सारे मेलीबग्स हैं, वो बिल्कुल ज़मीन पर गिर चुके हैं, इन्हें आप झाड़ू साफ करके फेंक दीजिए। yeah.